सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्द्वानी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए उन पर सवाल उठाए। हल्द्वानी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा है कि जनता के मुद्दों को अनसुना किया जा रहा है। रैली में शामिल नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास पर सरकार को घेरा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जनता के हक के लिए हमेशा खड़ी है और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आजी जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म, जातियाँ बढ़ रही हैं। सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या BTC मेंबर प्रधान है, उनकी अनदेखी हो रही है और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माइलॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।